सर मेरी वजह से मेरी बेटी की जान गई। मैं लेट लेट किया, दवा खाना, बहुत दर्द और शर्म से हर दिन मरा हुआ। माफी कष्ट मांगू। अमूल जी प्लीज ठीक से लिखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन बस मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ कि आप कहना चाह रहे हो कि आपकी वजह से आपकी बेटी की जान गई। हो सकता है वो आप उनका अच्छे से ट्रीटमेंट ना करा पाए हो। आई गेस आप ये पूछना चाह रहे हो। ये भी समझना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे लोग किसी की मृत्यु के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं, रिग्रेट में जाते हैं, उसके लिए ये सोचते रहते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, अगर मैं उनका ट्रीटमेंट करा पाती तो ऐसा हो जाता, या करा पाता तो ऐसा हो जाता। मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि प्लीज इस बात को समझ लीजिए, अगर कहीं भी किसी के बचने के चांस हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके देवदूत जो भगवान के दूत रहते हैं, उनको एक निर्देश देके तिनके का सहारा बन के कोई ना कोई चीज आपके पास में आ जाएगी। मान लीजिए आप अपनी बेटी को किसी हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं और आप लेट हो गए, तो आपके बस मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको ऐसा कोई शख्स मिल जाएगा कि वो वहां पर ट्रीटमेंट कर देगा, मतलब किसी दूसरे वे में करेगा या कैसे भी करके आपको एक तिनके का सहारा मिल जाएगा। लेकिन जब उसकी सांसें ही नहीं बची हैं तो आप कितना भी दौड़ लो, हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होते समय भी बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज आप बिल्कुल भी इस बात पे मत जाइए कि आप उसके दोषी हो, आपकी वजह से ऐसा हुआ है। अपने जीवन को अच्छे से जिए, अपने लाइफ का जो पर्पज है, आज मैंने एक वीडियो भी सुबह पब्लिश करी है, उसके बारे में सोचिए कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। ये बेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटी एक बाप के लिए अपनी बेटी और बेटी के लिए अपना बाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उनके ख्यालात मैं भी जानता हूँ, मेरी भी सिस्टर है, तो उनके आसपास का जो एक रिलेशन है उसको मैं भी समझ सकता हूँ। तो प्लीज हाँ, आप अपने आप को दोषी मत मानिए, बस मैं इतना कह सकता हूँ। मैंने इसके वजह बता दी कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एक गुड्डा है जो आपको खिलाया जा रहा है, कर्मा कराया जा रहा है। शालिनी जी पूछ रही है, मेरे हस्बैंड की डेथ को 4 मंथ हो गए हैं, हमारी लव मैरिज थी, मुझे समझ नहीं क्या करूं, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूं, क्या वो मेरे लिए वेट करेंगे अगले जन्म में, मैं वही पति शायद चाह का मतलब चाहती हूँ। ओके सानली जी, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, अगर उस वीडियो को आप गौर से देखोगे तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज संडे है, संडे स्पेशल में क्वेश्चन आंसर मैं कर रहा हूँ, तो ये भी सवाल का मैं आंसर दे देता हूँ। देखिए सानली जी, जब आप इस शरीर को छोड़ते हो, शरीर को छोड़ते ही हर एक स्प्रिट को वो दिन याद आते हैं, वो स्मृतियां याद आती है जो इस जन्म में भी और इस जन्म से पहले जितनी बार भी जन्म लिया है। आज आप अपने हस्बैंड की एक वाइफ थी, समझ के चलिए, उससे पहले भी आपके हस्बैंड एक औरत रहे होंगे, एक आदमी रहे होंगे, या एक सांप भी रहे होंगे, हर तरह की योनि में उन्होंने जन्म लिया होगा। तो हर एक के साथ में एक कड़ी से कड़ी बनाई जाती है उसके साथी के रूप में, जैसा आज वो आपके साथी थे, तो इस जन्म से पहले भी उनके कई साथी रह चुके हैं। तो जब उस स्पिरिट को ये पता लगता है कि मैं आज क्यों परेशान हो रहा हूँ सालनी के लिए, क्योंकि सालनी से पहले भी मेरी कई दूसरी सालनी रह चुकी हैं, या सालनी के अपोजिट मानो तो और दूसरे जेंडर वाले भी रह चुके हैं, तो लेकिन मेरा पर्पस था यहाँ पे दूसरे काम करने के लिए, अपनी वृद्धि, अपने सोल की या आत्मा की वृद्धि को बढ़ाने के लिए। मैंने क्या किया, सालनी से शादी करी, शादी करने के बाद में उनके साथ में समय को स्पेंड किया, लेकिन जो एक पर्पस था हम उसको भूल गए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सांसारिक जीवन इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी सोल की वृद्धि। जब आप उसको नहीं करोगे, दूसरे कामों में व्यस्त रह जाओगे, तो आप अपने पर्पस से थोड़े धूमिल हो जाओगे। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं कि अब रही बात कि वो आपका वेट करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, मान लीजिए मैं आपके ऊपर रख के देखता हूँ, अभी आपकी डेथ हो जाएगी और आपके हस्बैंड यहाँ पे हैं, आप वहाँ पे एक स्पिरिट बन के बैठे हुए हो अध्यात्म के जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं कि देखिए आपके हस्बैंड 40 साल के बाद में यहाँ पे आएंगे, उनकी डेथ 40 साल के बाद में होगी, और आपको क्या आप 40 साल इंतजार करोगे, या 40 साल के पहले आप अपने आप को दूसरी यात्रा में ढकेलना चाहोगे ताकि आपकी उन्नति हो सके। तो सीधी सी बात है, अगर मैं होऊंगा या दूसरे कोई होंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, मैं क्योंकि मुझे पता भी है ये स्मृतियों के बारे में कि पहले भी मैं सानली जैसे लोगों के साथ में कॉन्टेक्ट बना चुकी हूँ, तो उससे मैं तो चाहूंगा कि मैं आगे की यात्रा को कंप्लीट करूं। तो इससे आप समझ सकते हो कि कोई आपका क्यों इंतजार करेगा, सबको अच्छा इसी में है क्योंकि आगे बढ़ जाओ।
यहाँ पे आज आप जिस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगते हो, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का रिलेशन जो रहता है कि सब कुछ वो है, लेकिन ये नहीं है। ये आपके सामने एक इल्यूजन है, आपको भ्रमित करके रखा हुआ है, क्योंकि आपकी परीक्षा ही ये है, आपको इस परीक्षा को पास करना ही पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।